तो दोस्तों आज मैं बात करने वाले हूँ, आप अग्निवीर का फिजिकल देने जा रहे हैं, 1600 मीटर का ट्राइबल दे रहे हैं या कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने जाए, तो उससे पहले आपको आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले आपको क्या लेना चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या खेलना चाहिए, उससे आप ताकि आपको एनर्जी प्रोवाइड हो सके, आपका जो बॉडी का टाइट बना हुआ हो और आप फिजिकल को आराम से क्वालिफाई कर सके। दोस्तों वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना देरी के जो अपनी आज इंपॉर्टेंट बातें वो स्टार्ट करने वाले। आज का वीडियो बहुत ही जानदार शानदार होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को चूक गए और जो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो नहीं किया तो आप भर्ती से अपना जो फिजिकल है उससे डिसक्वालीफाई होने के चांस है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ साथ बताना चाहता हूँ कि आप जैसे आप फिजिकल देने जा रहे और फिजिकल 1600 मीटर का देने अगर इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती में जा रहे हो तो आपको 30 से 25 मिनट पहले आधा घंटे पहले आपको लेना है एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक में क्या लेना है, एक लेना आपको पानी की बोतल, पानी की बोतल में लेना है ग्लूकोज 250 ml। पानी में आपको 3 से 4 स्कूप ग्लूकोज के डालने, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, सेम इसी के अंदर ये डालने और हिलाना है। इसके साथ साथ आप इसको इलेक्ट्रोल पाउच भी डाल सकते हो इसके अंदर, जो कि आधा या 3 से 4 स्कूप डाल सकते हो। इसको पूरा मतलब मिला के रखना है, मिलाने के बाद में आपको उसको पीना है। ये काम क्या करेगी आपका, आपको एक तो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, आपकी जो मसल्स है वो टाइट नहीं रहेगी, आपके वीकनेस नहीं रहेगी और आपके बॉडी का टाइटपन और खिंचावपन रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, आप 30 से 25 मिनट आपके उसके अंदर ले सकते हो। आगे बात करते हैं इसी में दूसरा पॉइंट, आप जैसे भर्ती में चले जाते हो, भर्ती में जाने के बाद में आपके मतलब आपको काफ़ी देर तक वहाँ पे बिठा के रखते हैं, एक से बाड़े से दूसरे बाड़े में बिठा के मतलब थोड़ा 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। उसके साथ साथ आपको बैग में केला है, नारंगी है, सेब है, इस प्रकार से कीवी है, ये आपको साथ में ले जाने, ये आपको साथ में ले जाना है। और वहाँ पे जैसे आपको टाइम लग रहा है तो आप बीच में खा सकते हो ताकि आपकी बॉडी डाउन ना पड़े। 1 से 2 घंटे का गैप लग रहा है, आपने 4 बजे 5 बजे या 2 बजे 3 बजे एंट्री ली और आपका नंबर आ रहा है 5 बजे 6 बजे, तो आपको ये बीच में खा लेना है ताकि बॉडी मतलब डाउन ना पड़े, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, आपकी जो एनर्जी है वो डाउन ना पड़े और आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रिजल्ट निकाल के लाए। ये अपना दूसरा पॉइंट है। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट है कि आप छोटी सी कोई छोटी किसी में भी आप डाल के लीजिए हनी, शहद लेके जाइए। आप यहाँ वहाँ बाड़े में आपको फर्स्ट बाड़े से सेकंड बाड़े में बिठाया जाए, उस बाड़े के अंदर आप हनी, एक चम्मच आप हनी को खा लीजिए और पी लीजिए। हनी का फायदा यह है कि आप बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसे उनसे कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ सुपर रिजल्ट, आप जैसा बता रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए। हनी का रिजल्ट ऐसा है कि आपको एक तो सुक्रोज फ्रुक्टोज का मिठास रहेगा, गला नहीं सूखेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि 2 राउंड 3 राउंड काटने के बाद में जो ताऊ का जो खिलाड़ी होता है उसका गला सूख जाता है, प्लस आपका जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी आपको वीकनेस बिल्कुल मतलब जो रहता है ना, यहाँ रुकने का मन करता है कि क्यों रहता है, रुकने का मन क्यों करता है, गला सूख जाता है और जो है चिड़चिड़ा बन जाता है, बॉडी टाइट हो जाती है, इस कारण से नहीं होती। आपको एनर्जी ड्रिंक लेनी है, कुछ ना कुछ फल फ्रूट खाना है और साथ साथ आपको शहद लेना है, हनी लेनी है। हनी लोगे तो आपको मिठास सुक्रोज फ्रुक्टोज पाया जाता है उसके अंदर और गला नहीं सूखेगा। ये गला सूखने की सबसे बड़ी समस्या रहती है जो धाव करता है उसके साथ, ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको ये ऐड करना। बात करते हैं अगले पॉइंट की दूसरे की, तो मैं बता दूं आपको, मैं बहुत सी बार बोलता हूँ कि रनिंग करने से पहले आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भर्ती में जाते हो तो रनिंग और वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वहाँ वार्म अप के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। बल्कि मेरी खुद की भर्ती अटेंड की हुई तो मैं बता दूं, एक बाड़े से आपको दूसरे बाड़े में ले जाया जाता है, तो रनिंग के साथ जाइए, जॉगिंग के साथ जाइए, ठीक है, रनिंग के साथ जाइए, जॉगिंग से एक बाड़े से दूसरे बाड़े में बैठा जाता है, बैठे बैठे अपने हाथ पैर को हिलाते रहिए, आगे पीछे वहीं बैठे बैठे अपने पैर को लंबा करके स्ट्रेचिंग कर लीजिए थोड़ी बहुत। या फिर आप पेशाब करने के लिए जाते हो, बहुत से कैंडिडेट पेशाब करने के लिए जाते हो, वहाँ छूट भी रहती, तो दौड़ के जाइए और दौड़ के आइए। वहाँ पेशाब करने के लिए मतलब 2 से 3 मिनट रुकिए और दाएं बाएं हाथ को टच कर लीजिए ऊपर नीचे, थोड़ा सा हाथ पैर को खोल लीजिए ताकि आप वहाँ ट्रैक पे जाओ तो थोड़ी आपकी इंजरी होने की मतलब क्या है वो स्ट्रेस नहीं हो, बॉडी खुली रहेगी, आपका शरीर वार्म अप रहेगा, तो आपको ज़्यादा इंजरी से शिकार नहीं होना पड़ेगा। आपका जो जो लगेगा कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है कि रनिंग नहीं हो पा रही, वैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए। जैसे एक बाड़े से दूसरे बाड़े में ले जाया जाए तो थोड़ा दौड़ के जाइए और दौड़ के वापस आए, तो पेशाब करने के लिए दौड़ के जाइए वहाँ पे थोड़ा दाएं बाएं कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अब वहाँ से आपको क्या करना है, ट्रैक पे ले जाए, ट्रैक पे आपको दौड़ के ले जाते हैं, दौड़ के ले जाते हैं ट्रैक पे, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ट्रैक पे दौड़ के जाना, अपना जहाँ भी नंबर आए वहाँ भी बैठना है। अग्निवीर के फिजिकल में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप 10-10 की लाइन होकर ट्रैक पे बिठाते हैं, ट्रैक पे बिठाने के बाद में फालतू बातों पर कहीं भी ध्यान, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना है और जो वहाँ पे बता रहे हैं, जो स्थितियाँ प्रतिज्ञा बुला रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, रेडी गो या वार्म अप ऑन योर मार्क बोल रहे हैं, रेडी गो बोल रहे थे, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट, किसी से कुछ नहीं पूछ रहे तेरा कितना टाइम आ रहा है क्या हो रहा है, किसी से कोई बहस नहीं करनी, बस अपना कॉन्सेंट्रेट रखे कि हाँ मेरे को 4 राउंड कंप्लीट क्वालिफाई करने। बात करते हैं अगले टिप्स की, तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट ये अपना है कि अब जैसे रनिंग का गो होता है, गो होने के बाद में आपको 100 से 150 मीटर 200 मीटर आपको भीड़ से बचना है, भीड़ में फंस गए तो फंसने के बाद में आपको ये ट्राई करना है गिरने की बजाय कि हाँ मेरे को कैसे न कैसे बाहर निकलना है इसे। कई बार क्या होता है बच्चा बीचों बीच 50-60 के अंदर नंबर आ जाता है, तो भीड़ में पीछे से हो जाते हैं, आगे से उतर नहीं पाते, तो वो भीड़ में नंबर आ जाता है, गिरने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा बाहर की साइड से लेना है,
शुरुआती 200 से 300 मीटर आप थोड़ा बहुत स्लो दौड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बहुत राउंड पड़े आप आराम से कवर कर पाते हो। तो इस चीज का ध्यान के गो होने के बारे में थोड़ा सा अपने आपको बैलेंस बनाइए और बाहर के साइड होकर अपना कवर करने की ट्राई कीजिए, और 200 से 300 मीटर जो गैप घल रहा है उसको फिर से आपको ट्राई कर सकते हो, या फिर आगे हो गए तो थोड़ा सा स्पीड लेके थोड़ा बाहर की साइड हो जाइए, अब जाने वाले को जाने दीजिए, फिर अपना पेस मेंटेन करके अपनी कंटिन्यू रखिए रनिंग को। ये अपना हो गया तीसरा पॉइंट। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, अगर आप सिंथेटिक ट्रैक पर प्रैक्टिस मतलब रनिंग कर रहे हो, आपकी भर्ती सिंथेटिक ट्रैक पे, एक चीज की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। क्या वो गलती कर रहे हो आप? नंगे पांव बिल्कुल मत दौड़िए। सिंथेटिक ट्रैक पे आप जूतों में प्रैक्टिस कीजिए, नंगे पांव करो तो पैर छिल जाएंगे, आपका जो पैर भरने की समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पैर भर जाएंगे, पीछे से काप टाइट हो जाएगी, पैर बहुत जल्दी भर जाएंगे। जो प्रैक्टिस की है उसी में बरकरार रहना है, कंटिन्यू वही प्रैक्टिस रखनी है, नया तरीका कुछ भी नहीं अपनाना है। नया तरीका अपनाओगे तो आप भर्ती में डिस्क्वालीफाई होने के 100% चांस है। मैं बता रहा हूँ जिन भाइयों की भर्ती नजदीक है वो इन बातों पर पूरा फोकस कीजिए, मैंने बताइए वो उन बातों पर पूरा फोकस कीजिए, वरना आप जो इंप्रूवमेंट आपका है वो डाउन हो सकता है। मैंने शुरुआत में बताया कि आपको इलेक्ट्रोल पाउच ग्लूकोन डी और 250 ml पानी में मिला के रखिए, और एक चीज का ध्यान रखिए आपके साथ पानी की बोतल होनी चाहिए भर्ती में जा रहे हैं तो। पानी की बोतल एक तो साथ आपके साथ सादा पानी होना चाहिए, एक आपके साथ ग्लूकोन डी और इलेक्ट्रोल का पाउच लिया होना चाहिए, ताकि आपके वहां लंबा टाइम निकले तो आप बीच बीच में धीरे धीरे स्कूप पीते रहे। जितना लंबा टाइम निकले 2 से 3 घंटे अंदर ग्राउंड के अंदर थोड़े थोड़े बीच के अंदर आप स्कूप थोड़े थोड़े लेते रहे, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे और ग्राउंड पे अपना अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो जो भी मैंने टिप्स बताई इनको फॉलो कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने फॉलो कर ली तो 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। और अग्निवीर का फिजिकल देने जा रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए, फॉलो कीजिए टिप्स को, और मेरे को कमेंट करके जूता ना कहाँ से देख रहे हो वीडियो को और मेरा इतनी तारीख को फिजिकल है, मैं बताया इन टिप्स को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोज बहुत अच्छे अच्छे आएंगे उनको जरूर देखना ना भूले। और कोई भी आपको अपडेट जाननी हो किसी भी फिजिकल फिटनेस टिप्स की तो बहुत सारी वीडियोस देंगे उनके जाकर टिप्स कीजिए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए, यही इसी नाम से मेरी आईडी बताई हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बोलूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत। yeah!